खबर उत्तराखंड के जनपद पौड़ी की है, जहां बिना अनुमति पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। पूरा मामला सतपुली तहसील के अंतर्गत गोली गांव का है, जहां करीब 125 पेड़ों को बिना अनुमति के काट दिया गया। मामले को लेकर डीएम ने सोलर प्लांट संचालकों पर 2,00,000 का जुर्माना लगाया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि गोली गांव में विभिन्न प्रजातियों के करीब 125 पेड़ों को काटा गया, जिसको लेकर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने नायब तहसीलदार सतपुली को जांच अधिकारी नामित किया है। आपको बता दें कि 20 जुलाई ग्रामीणों ने सोलर प्लांट के नाम पर बिना परमिशन पेड़ काटने का आरोप लगाया था। वहीं मामले को लेकर ग्रामीण तहसील सतपुली एसडीएम से मिलने पहुंचे थे, जहां एसडीएम संदीप कुमार ने इस संबंध में प्रभारी तहसीलदार को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार कर जांच प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। बोरली क्षेत्र में कुछ जो सोलर प्लांट का स्थापना की जा रही है, वहाँ पर कुछ व्यापारियों के द्वारा, जो भी प्लांट से संबंधित थे उनके द्वारा जो है पेड़ों का कटान किया गया है। इसकी सूचना तहसील प्रशासन को और वन विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी जैसे प्राप्त हुआ है, संबंधित स्वामी के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया गया है।